नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए बड़ी खबर की शुरुआत बिहार से ही कर रहे हैं। बिहार से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां विशेष राज्य के दर्जे की मांग अब तेज होती नजर आ रही है। जेडीयू के साथ साथ अब हम और एलजेपी आर ने भी विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दिया जाए ये मांग करते हुए समर्थन दिया है। बिहार को केंद्रीय सहायता की जरूरत है, सुमन मांझी ये बात कहते नजर आ रहे हैं। वहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, विजय चौधरी ने ये मांग रखी। और वहीं कांग्रेस की तरफ से तंज कसा गया कि नीतीश की मांग को तवज्जो नहीं देते हैं मोदी। तो देखिए किस तरह से अब बिहार को विशेष राज्य का स्टेटस दिया जाए, स्पेशल स्टेटस मिले, इसको लेकर अब मांग तेज होती नजर आ रही है। और क्या कुछ बयान सामने आए हैं जरा सुनिए। बिहार को जरूरत है विशेष राज्य का दर्जा, केंद्रीय सहायता की जरूरत है। तो एक बिहारी होने के नाते मैं भी मांग करता हूं कि बिहार को उचित जो राशि है, सहायता राशि, विशेष राज्य का दर्जा कहें, मिलना चाहिए ताकि बिहार का सर्वांगीण विकास हुआ, बिहार भी अग्रणी राज्यों में आ सके। इसके लिए आर्थिक पैकेज का सख्त जरूरत है बिहार को। कि हम लोग तो वैसे विशेष राज्य का दर्जा चाहते हैं, लेकिन अगर विशेष राज्य का दर्जा देने में कोई दिक्कत है तो हम लोग विशेष पैकेज की मांग करते हैं। और विशेष पैकेज का अर्थ होता है विशेष सहायता, और उसका केस इसलिए बिहार में बनता है कि आप सब लोग जानते हैं कि बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों की कमी है। कितना दिन ही लोग बिहार वासियों को ठगेंगे, विशेष राज्य। जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं तब से विशेष राज्य का रट लगाते हैं और उनका कोई वैल्यू देते नहीं है प्रधानमंत्री और भारत सरकार। आने वाले केंद्रीय बजट में सर कैसे देखते हैं बिहार को, विशेष पैकेज मिलना चाहिए? मिलना तो बिल्कुल ही चाहिए। बिहार के साथ हमेशा सौतेलेपन का व्यवहार हो रहा है जब से मोदी सरकार है। और चले इसी पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पटना से सीधा जुड़ रहा है अमिताभ ओझा। अमिताभ, इस बीच ये टाइमिंग जो है ये बहुत मुफीद दिख रही है। एक तरफ आम बजट पेश होना, उससे ठीक पहले बिहार से विशेष दर्जे की मांग करना बिहार के लिए, और दूसरी तरफ जब कुछ दिन पहले लालू ने ये भविष्यवाणी की कि अगस्त में सरकार गिर जाएगी, तो यहां पर टाइमिंग को लेकर एक विशेष महत्ता नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल पूजा, ये टाइमिंग काफ़ी अहम है। और इससे पहले हम देखें कि जब केंद्र की सरकार में जेडीयू शामिल हुई थी उस वक्त भी तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया था और तेजस्वी यादव लगातार बयान भी दे रहे थे कि क्या अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। तो ये बातें आरजेडी के तरफ से लगातार उठाई जा रही थी, और अब जो जेडीयू के नेता भी हैं इससे पहले भी कई बयान उनके आए थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और तमाम जो उनके बड़े नेता भी वो ये कहते नजर आए थे कि जिस तरीके से स्पेशल एचएसएस की बात हो रही थी, लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा था कि नीति आयोग की कुछ अगर बाध्यता है तो स्पेशल पैकेज तो बिहार को मिलना ही चाहिए। और इसके लिए तमाम जो नेता थे वो कह भी रहे थे, और उनके साथ में चिराग पासवान जो एक बड़े महत्वपूर्ण घटक दल हैं उनकी बात करें या फिर जितना मांझी की बात करें तो ये भी चाहते हैं कि बिहार को स्पेशल पैकेज मिले, क्योंकि आगामी जो विधानसभा चुनाव 2025 में आने वाला है उसमें ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा। दूसरी बात की देखिए, बजट के पहले, इससे पहले भी अगर हम बजट की बात देखें तो पिछले साल भी जब बजट आया था उस पर भी बिहार को उम्मीदें थी, लेकिन बिहार को उतना पैकेज में नहीं मिल पाया था। तो इस बार चूंकि जेडीयू सरकार में है और वो चाहेगी कि ऐसा कुछ जरूर केंद्र सरकार से मिले ताकि ये उन्हीं बातों को लेकर जनता के बीच जा सके, तो ये एक प्रेशर जो है निश्चित तौर पर बीजेपी के पास है कि इस बार जो बजट होगा उसमें बिहार को कुछ खास मिले। और ये तमाम जो उनके जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो हम पार्टी के जितना मांझी हो या फिर चिराग पासवान, वो भी चाहते हैं, क्योंकि लगातार उनकी पार्टी के नेता भी ये बात कर रहे थे कि बिहार को स्पेशल पैकेज की दरकार है, विशेष राज्य की दरकार है। लेकिन नीति आयोग की जो निर्मला सीतारमण चुनाव के दरमियान आई थी बिहार में और उनसे भी ये सवाल किया गया था, तो उन्होंने नीति आयोग की नियमों के हवाला दिया था और जो थे, लेकिन उसके बाद ये जरूर कहा गया था कि इस स्थिति में बिहार के लिए स्पेशल पैकेज मिल सकता है। अब देखिए जब बजट आने वाला है उससे पहले निश्चित तौर पे जिस तरीके से विजय चौधरी जो सरकार के काफी अहम मंत्रालय संभालते हैं, नीतीश कुमार के काफी खास हैं, उन्होंने भी बयान दिया कि स्पेशल स्टेटस तो हमारी मांग शुरू से ही रही है, लेकिन अगर नहीं तो स्पेशल पैकेज जरूर मिलना चाहिए। तो निश्चित तौर पर ये दबाव जेडीयू के तरफ से सरकार पर है, और ये बातें पहले भी हो चुकी है जब सरकार में
जेडीयू शामिल हो रही थी और जो स्थिति है केंद्र की सरकार में जेडीयू की जो स्थिति है, हम कहें कि जेडीयू की मांगों को दरकिनार भी करने की स्थिति में इस बार मोदी सरकार नहीं है, तो निश्चित तौर पर बिहार को इस बार काफी उम्मीदें हैं कि इस बार जो बजट आएगा उसमें बिहार के लिए काफी कुछ रहेगा। और इसमें देखिए लालू प्रसाद यादव की जो बातें थी उन्होंने भी जो इशारा किया था वो इन्हीं मुद्दों को लेकर किया था, उन्हें लग रहा था कि इस बार स्पेशल स्टेटस के मुद्दे पर वो सरकार को घेरेंगे और जेडीयू को लगातार घेर रहे हैं, चाहे वो आरजेडी या फिर कांग्रेस या फिर माले जो भी नेताओं की हम बात करें, तो वो दबाव बना रहे हैं कि क्या इस बार बिहार को स्पेशल स्टेटस मिल पाएगा, क्या नीतीश कुमार की जो लगातार जो मांगे होते रही है उनकी पार्टी की जो मांगे रही हैं तो वो बिहार को कुछ दिलवा पाएंगे। तो ये चक्रव्यूह जो है शुरुआत हो चुकी है और निश्चित तौर पर ये जो बजट सत्र है वो काफी अहम होगा और यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव ने इशारा भी किया था कि अगस्त के महीने का उन्होंने बात की थी, उन्हें पता है कि बजट सत्र आएगा और इस मुद्दे को लेकर जेडीयू कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पे खेलने की तैयारी में, वो बैक फुट पर नहीं आना चाहती है इस बार। ठीक है, अब जेडीयू के साथ दूसरे अहम जो घटक दल हैं वो भी समर्थन दे ही रहे हैं इस मुद्दे को लेकर, अब देखना होगा कि आम बजट में बिहार को क्या मिल पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमिताभ इस तमाम जानकारी के लिए।